हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जसबीर सिंह सलूजा। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आज तो होने वाली है घर वापसी इस वीडियो के अंदर, और पिछले दो तीन वीडियो जो रहे होंगे उसमें आपको पूरा इवेंट देखने मिलेगा, तो मिस मत करना वो वीडियो, जरूर जाकर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, डजंट नॉट मैटर। तो हम लोग महू आए थे परसों यहाँ पर UCRM का एक इवेंट अटेंड करने, मैं और ऋषि। चलिए आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार, फिर चलते हैं, चाय वगैरह पियेंगे। और भी राइडर्स भाई लोग आए हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। ये रही ऋषि की बाइक और ये रही अपनी बाइक, और ये हमारा रूम था, वो सोया है ऋषि। ऋषि और मेरे अलावा यहाँ पर एक भाई और थे, जयंत भाई, और बहुत ही रॉयल बंदे हैं यार। उनका हेलमेट रखा है जयंत भाई का, हम दोनों तीनों का। मैंने बैग वगैरह पैक कर दिए हैं, और एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो ये मेरी ट्रॉफी है। ओनली राइडर कैन अंडरस्टैंड कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो काफ़ी अच्छा रूम था हम लोगों का, और अब चलते हैं, चाय वगैरह पियेंगे, नाश्ता वास्ता करके फिर यहाँ से निकलने की तैयारी है, वापस घर जाएंगे। चलिए, तो कल रात को यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पार्टी हुई। सुबह 5 बजे हम लोग रूम पर गए हैं, तो पार्टी के बाद में यहीं पर थे। एक दो भाई लोग हैं वो गिटार लेकर आ गए थे, गाना चलता रहा, नाचना चलता रहा, और पटाखे फूट रहे हैं। एक दो शॉट रात के देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल रस्साकसी में हम लोगों को साथ में करना था, पर आप कहीं चले गए थे, तो फिर वो आपकी जगह हमने एक इनकी टीम का बंदा उठा लिया था। ये कुछ था ना तुम्हारा? हाँ, अरे आप ही तो थे यार। तो कल एक रस्साकसी का इवेंट हुआ था जिसमें हम दो बड़वानी वाले और दो बिहार वाले, बिहारी पंजाबी मिला के सर ने टीम बना दी थी, पर भाई कहीं चले गए थे, तो फिर इन भाई ने हमारी टीम का साथ दिया। तो ये हमारे रजत भाई ग्वालियर से, इनको आपने मेरे लद्दाख सीरीज़ की लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो रजत भाई फिलहाल अभी चला रहे हैं बेनेली TR की, वो येलो वाली, वो पीली रानी इनकी है। तो भाई ये बाइक का थोड़ा सा बताओ ना कि आपने अपग्रेड करी, डोमिनार चलाते थे आप मिले थे लास्ट टाइम जी, तो क्या अंतर फील कर रहे हो आप इसमें? देखिए, अंतर बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे आपने लद्दाख जब राइड करी थी, उसके बाद मैंने नेपाल राइड भी करी थी। हाँ। तो नेपाल राइड में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे मुझे लगा कि डोमिनार इज़ नॉट मेड फॉर ऑफ रोडिंग। जैसे मैं गाड़ी की बुराई नहीं करूंगा, गाड़ी इज नो डाउट बहुत अच्छी है, मैंने 2 साल उसको चलाया। हाँ। उसने कभी कोई इशू नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, बट ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में आ गया, इसलिए इतनी दिक्कत आई। सही बात, ठीक है। तो गाड़ी जब इतना मेरे को वापस आके लगा कि यार आई नीड टू अपग्रेड, पावर वाइज नहीं, पावर वाइज डोमिनार बहुत सफिशियंट है, आपको हाईवे पे बहुत अच्छी स्पीड देती है और क्रूजिंग करती है बहुत इजीली, बट फिर मुझे लगा कि आई नीड टू अपग्रेड। तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 400 से मैं सीधे 500 पे ही आया, बट एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल पे आ गया। तो ये सर प्रेसिडेंट है क्लब के, सर इन्हीं इनकी टीम ने और इन्होंने पूरा जो इवेंट था ऑर्गेनाइज किया था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग, होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ UCRM, ऑफ कोर्स सर, विद योर टीम 3.0। बिल्कुल, अब टीम के साथ आएंगे, अब देख लिया है ना, अब आपने इवेंट, आपको जैसा लगा वो टीम को जाके दिखाई, आपने वीडियो बनाई, आप YouTube पे दिखाएंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग एंड कितना अच्छा इवेंट होस्ट हुआ है। बिल्कुल, अगली बार आए अपनी पूरी टीम के साथ, आए टीम के साथ, राइडिंग ग्रुप के साथ आए, तो और भी मजा आएगा, और ज्यादा मजा आएगा, जितने ज्यादा भाई जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, फाइनली शैतान जाग उठा। गुड मॉर्निंग, मैंने ज्यादा मैं पैकिंग कर रहा था, हाथ उठा के। अरे चल, तो
दोस्तों अभी जो मैंने बाइक चलाई थी वो थी अफ्रीका ट्विन 1100 cc, और बहुत ही शानदार बाइक है, बहुत बहुत ही शानदार। और बाइक से ज़्यादा शानदार है बाइक के ऑनर, इत्तेफाक से वो हमारे रूम पार्टनर भी थे। और मतलब अच्छी दमदार बाइक होने के बावजूद भी भैया इतने सिंपल सोबर हैं कि उन्होंने, ये रहे भैया हमारे, भैया आपकी बाइक बहुत शानदार है, मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। सॉरी कोई नहीं, तो मैं भी वेट कर रहा था आपका वहाँ पे, फिर वो एक दीदी हैं, भाभी हैं, उनको टेबलेट चाहिए थी, मेरे पास है तो मैं ला देता हूँ जब तक। चलो भैया ठीक है, आपने सामान हो गया आपको, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बाय। तो मैंने वो बाइक चलाई, वो बाइक ऑटोमेटिक गियर की है, मतलब वो खुद गियर शिफ्ट करती है स्पीड के हिसाब से। तो मैंने सोचा था कि नहीं यार सुपर बाइक अपनी लेंगे और वही चलाएंगे, पर आज मौका बन गया और इतने अच्छे इंसान थे ये, इसलिए मैंने उनसे कहा और उन्होंने तुरंत हाँ भाई चलाओ, तो एक बढ़िया राउंड लेके आया मैं 1-1.5 किलोमीटर का, और बाइक बहुत शानदार है। चलिए पैकिंग करते हैं, बाइक रेडी करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है और बाइक पर भी आधे से ऊपर सामान माउंट हो चुका है, जैकेट डालना है, ग्लव्स पहनना है और निकलना है। जो राइडर भाई गेट पर और भी बहुत सारे बचे हुए हैं उनसे मिलते हुए बाहर हो जाएंगे। ये हमारा रूम था और जैन भाई की एक अच्छाई जिनकी बाइक अभी चला रहा था मैं, वो यहाँ सोए, यहाँ नहीं सोए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। ये रहा मेरा बैग, अब हम एक प्रोफेशनल राइडर लगने वाले हैं। तो एक ही हमारे भाई हैं और मैं इनका हार्डकोर फैन हो गया हूँ यार, आपकी सिंगिंग का, आपके गिटार का, बहुत ही शानदार। और ये बेसिकली बड़वानी से ही हैं, तो बड़वानी से हम दो और ये और एक और भाई है ना, टोटल चार लोग हो गए थे। हालांकि मतलब रहने अभी तो ये इंदौर वगैरह में है ना, अब बड़वानी आना जाना होता है सिर्फ आपका। वाह बहुत ही शानदार, सुबह 5-6 बजे तक शायद ना, 5:30-6 बज गई थी, 5:30-6 बजे तक ये दौर चलता रहा, भैया का गिटार और बाकी गाने। चलिए ठीक है भैया, निकल रहे हैं हम लोग, वापस आइएगा। बिल्कुल जरूर। तो मेरा नाम जसबीर सिंह सलूजा है और मैं बेसिकली अपने आप को बाइकर जस्सी सर के नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ, और मैं UCRM में पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी राइडर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सभी लोग हर साल UCRM को ज्वाइन करें, ये हर साल कुछ अपग्रेड लाएगा और बहुत अच्छा होता जाएगा आपके और हमारे आने से। तो वेलकम टू ऑल, अगले साल और ज़्यादा भाइयों से मिलेंगे यहीं पर इसी जगह, और ज़्यादा मस्ती के साथ। सस्ते अगर। तो हमारे बड़े भाई रेडी भाई जाने के लिए, अभी रुकेंगे सर सर सर। और ये इवेंट के फूफा जी हमारे, शुभ नाम क्या सर आपका? प्रतीक भाई। अच्छा जी, वाह जी वाह, बिल्कुल भाई रजत भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ओके ओके भाई साहब। हाँ यार बिल्कुल, वाह और मिलेंगे भाई, बिल्कुल। क्या हाल है मेरे भाई? चलो निकल रहे हैं। अरे यार फायर हो गया काम, बिल्कुल ठीक है। पहली बार कैमरे के सामने है क्या? हाँ कोई नहीं कोई नहीं, तो भाभी का तो लड़का हो गया ये, देख रहा हूँ मैं। छोटा हाँ तो क्यूट है ना, छोटा है ना वो अभी। हाँ वो एक कहावत है, सरदारों के और शेरों के बच्चे बचपन में ही क्यूट लगते हैं। बाद में तो भयानक, बाद में हम भयानक हो जाते हैं। हाँ ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट था उसके लिए, थोड़े फर आ जाए तो टेडी बेयर हो जाएगा। हाँ ला दे, क्यूटनेस ओवरलोड। अगली बार ना लाइट वाले लाना, बस आपको बोलना आप ऑर्डर कर देना। देखा माथे पड़ता। दीदी जा रहे हैं, आपकी स्माइल याद रहेगी।
चलिए ठीक है। एक और भाई निकलने की तैयारी में है। कौन? तुम? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो भाई चलाता है हिमालयन और इसके इस स्पीकर ने पूरे इवेंट में बहुत धूम मचाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Now we are Ravana from here. Okay, bhai. Dil pe zakhm khati. मेरी लाइफ के कुछ बेहतरीन पल आप खत्म हो रहे हैं। और ये छोटा क्यूटू आया हुआ था यहाँ पर। हेलो, बाय बाय। हेलो, इधर आओ, सेकंड करो, इधर आओ। अरे यार बहुत क्यूट हो यार आप। चलिए भाभी निकल रहे हैं आप लोग भी। ये बैल है, बैल। ये चाचू बैल है। हाँ सही बात है। उसने ड्रोन देख लिया था ना। कितने साल का है ये? बस 3 का हो जाएगा मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर, उसको भी लेके आऊंगा मैं। वो मैटर करता है इस साल, वही चीज थी, छोटा है अभी वो। चलिए ठीक है ना, हो जाएगा। हाँ ओके भाई, ओके भाई। तो अब पूरी तरह से हो चुके हैं बाहर। मांडव नहीं घूमेंगे दोस्तों, क्योंकि मांडव जो है वो हम लोगों ने कई बार घूम लिया है। एक स्पेसिफिक वीडियो भी है मांडव के ऊपर हमारा, है ना। चलिए निकलते निकलते मांडव के जो नजारे हैं वो ले लीजिए। तो दोस्तों ये है कुछ नज़ारे इस तरफ के रास्ते के। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग हाईवे से आए थे और अब जा रहे हैं हम लोग एक शॉर्टकट से। रास्ते में हमारा एक भाई रहता है, उससे मिलते हुए जाएंगे। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर मांडू, बहुत फेमस जगह है। अगर इसको देखना हो तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा मेरे वीडियो का, उस वीडियो को जाके चेक करिए। मैंने मांडव यात्रा की थी, मतलब मांडव दर्शन किया था आगे स्पेशल। उस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट जो मेन मेन जगह है मांडव की वो सारी देखने मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ माँ नर्मदा के पुल पर, ऑलमोस्ट बड़वानी पहुँचने वाला हूँ। मैंने रास्ते में ज़्यादा कैमरा चालू नहीं करा क्योंकि कुछ ऐसा खास दिखाने के लिए था नहीं। तो अब पहुँच रहा हूँ घर, तो सोचा वीडियो को यहीं से ख़त्म कर लूँ, क्योंकि घर जाते से इतने सारे काम इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो की एंडिंग रह जाएगी। तो आज के वीडियो में बेसिकली दोस्तों जो सी ऑफ था राइडर्स का, एक दूसरे से विदाई थी, पूरे इवेंट का सबसे उदास पल, क्योंकि जितने भी राइडर आए थे ना भाई, जितने भी मेल फीमेल, एक बात सब में कॉमन थी, सब दिल के बिल्कुल साफ थे और बहुत अच्छे लोगों के बीच में था मैं 2 दिन। हालांकि मतलब मेरी लाइफ जिन लोगों के साथ बीत रही है वो भी बहुत अच्छे हैं, पर नॉर्मली किसी इवेंट में जाकर इतने सारे अच्छे लोग एक साथ नहीं मिलते। तो आगे भी हम लोग इस तरह की राइड्स करते रहेंगे, इस तरह के इवेंट
अटेंड करते रहेंगे। अभी जा रहे हैं घर, इस वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रहा हूं दोस्तों, और यहां पर शायद चेकिंग चल रही है, आई डोंट नो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, बाइक वालों को रोक रहे हैं हेलमेट के लिए सब। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। एक दो मिनट में हम बड़वानी में एंटर हो जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फटाफट से अपने ये जेवरात उतारेंगे और अपने काम धंधों पर लग जाएंगे, बैक टू वर्क एक लंबे टाइम के लिए। पर वीडियोस आते रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा।